are going to study about the remaining derivations of the Gauss law. Now, what is the rule? The rule number one is you have to find out the electrical flux. You have to find out the electrical flux by using the basic definition. What is the basic definition? The basic definition says that the electrical flux is equal to E dot ds. E is the electrical field and ds is the surface from which it is coming out, right? And the other electrical flux, the same electrical flux can be also calculated by using the Gauss law. What is Gauss law saying? The Gauss law is saying that, kya bolta hai aapse? Hai na? Kya bolta hai aapse? गॉज लॉ आपसे ये बोलता है कि भाई जो भी चार्ज आपके पास में जो सरफेस के अंदर इंक्लोज्ड बंधा हुआ चार्ज है उसके अंदर रखा हुआ चार्ज है उस चार्ज को आप निकालोगे और क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तभी भी उतना ही फ्लक्स रहेगा। सरफेस से कोई मतलब नहीं है, कितना चार्ज अंदर रखा हुआ है उस चीज से मतलब है। ये किसने बोला? तो बोला ये गॉज लॉ ने आपसे बोला। ठीक है, आज मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर मेरे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? तो बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ना वो एक ऐसा मटेरियल है, इंसुलेटर होता है, लेकिन उसके अंदर चार्ज को लेके जाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके अंदर जा सकती है। जैसे मेरे पास पेपर हुआ, जैसे मेरे पास माइका हुआ, जैसे मेरे पास पानी हुआ, द वॉटर, राइट? एवरीथिंग हैज गॉट अ प्रॉपर्टी जिसके अंदर चार्ज जा सकता है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और इसके अंदर भी चार्ज चला जाएगा। मतलब ये हर मॉलिक्यूल को, अगले बार हम लोग जो अगला टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि क्यों होता है, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल में अपने आप में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, और इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है अपने आप में एक डाइपोल बनते हैं और इसकी वजह से इसके अंदर चार्जेस आ जाता है और चार्जेस के साथ साथ आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आ जाती है। तो चलो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिएगा कि इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मैंने लिखा कि इसके अंदर का टोटल चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू क्यू, और इस सर्फेस की कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, डब्बा हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, कोई इररेगुलर शेप हो सकता है, हमें उसका वॉल्यूम का पता करना है, लेट इट बी इक्वल टू से भी। अब मुझे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिग्मा की बात, रो की बात करनी है, सो दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, अगर अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, अन्यथा नहीं, अन्यथा हमको अलग लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? तो वो मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद वो वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। आज हम सिंपल डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है? अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास एक डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर है, एक स्फीयर जो एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है और वो चार्ज्ड है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। व्हाट वी हैव टू डू, तो क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट हियर, ध्यान से देखो, या इसमें का लिखना है आपका कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर मैंने लिया और इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है। मान लीजिएगा कि मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर में एक अंदर एक छोटा सा स्फीयर और बना लेते हैं, और इस स्फीयर की जो रेडियस, क्योंकि एक पॉइंट यहां पर है ना, मैं सिर्फ अभी चार्ज डेंसिटी निकालने सिखा रही हूं ना, अभी मैं फील्ड नहीं निकाल रही हूं। मान लीजिएगा कि इसके अंदर में पूरे में चार्ज है, दैट इज क्यू, और जो मैं अंदर वाला स्फीयर ले रही हूं वो अंदर वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है, अगर तुमको वो निकालना है, मतलब सिर्फ इतने में कितने चार्जेस निकालना है, कैसे निकालोगे आप, कैसे चार्ज निकालोगे,
तो आप सबसे पहले लिखोगे व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो दैट इज इक्वल टू रो, आपने बोला दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब. मुझे अंदर वाले स्फीयर का चाहिए उसका रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले का तो था बड़े वाले स्फीयर जिसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है उसका रेडियस था आर. तो अब अगर मुझे छोटे स्फीयर में लेना है तो चार्ज इनसाइड द इनर स्फीयर, तो आप क्या बोलोगे दैट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ the smaller inner sphere. तो आप इसको लिखोगे rho into 4/3 pi small r का cube. ये आपका चार्ज कितना अंदर बैठा हुआ है उसके बारे में आपको बता देता है. ठीक है, तो अभी आपके पास में मेथड आ गया कि मैं किस प्रकार से चार्ज को निकालूं, वो भी कहां पर, जो अंदर बैठा स्फीयर है उस स्फीयर के अंदर मेरे पास कितना चार्ज है उसके बारे में मैंने बता दिया. अब क्या निकालने का है, मुझे निकालना है फील्ड. कहां पर फील्ड निकालना है, लेकिन कहां पर, ऑन ए पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर. तो अभी मैंने क्या बताया आपको मेथड, पहले फ्लक्स निकालो बाय डेफिनेशन, दोबारा निकालो बाय गॉस लॉ और दोनों को इक्वल करो. भाई डायग्राम में क्या रहेगा, मेरे पास ये स्फीयर और इसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, इसका रेडियस है आर, मेरे पास एक पॉइंट पी है जो है ओरिजिन से यानी सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर, और यहाँ पर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर. मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, फाइंड द फील्ड एट पी, ओ पी इज इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन आर. दैट मीन्स ये जो पॉइंट पी है अंदर बैठा हुआ, किसके अंदर बैठा हुआ है, तो बोला स्फीयर के अंदर बैठा हुआ है. तो ठीक है भैया निकालते हैं. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई यहाँ पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. तो ये गॉसियन सरफेस मेरा क्या होगा बताइए, गॉसियन सरफेस किसका, इसका. गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां से हम मान के चलते हैं कि फील्ड बाहर निकलती है. तो यहां पर मैंने गॉसियन सरफेस एक स्फीयर माना, स्फीयर ऑफ रेडियस दैट इज आर. ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया. अब इसके अंदर जितने भी चार्ज बैठे होंगे, इसके अंदर है तो वैसे पूरे में चार्ज, लेकिन जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स सिर्फ इसके अंदर में बैठे हुए चार्ज की वजह से बनेगा, बाहर बैठे हुए चार्ज की वजह से नहीं बनेगा. या तो गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा जो रेडियस आर का बना होगा इनसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, इस चार्ज स्फीयर के अंदर का स्फीयर का. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, बाय डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, बच्चा बोलो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा जो इस स्फीयर से बाहर आएगा. तो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में मान के चल रही हूं ना कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स तो बाहर आएगा. और क्या ये हर जगह बाहर आएगा सेम डायरेक्शन पे, हाँ भैया एकदम ऐसे ही बाहर आएगा. ये देखो ऐसे करके इसके जो फ्लक्सेस हैं वो सिमेट्री लेते हुए ऐसे करके बाहर आएंगे, और किसकी वजह से आएंगे, तो बोले ये सारे जो फ्लक्स आ रहा है इसके अंदर बैठा हुआ चार्ज की वजह से आएगा. तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. तो यहां पर आप देखो बाय सिमेट्री, हाँ क्या मिल रहा है, ई जो रहेगा वो आपका
कांस्टेंट होगा, है ना, e जो रहेगा आपका ये कांस्टेंट होगा, और यहां आप देखोगे कि दिस इज द फ्लक्स phi e, और यहां आपका e को कॉमन ले लिया, e डॉट, एक मिनट, e डॉट ds, तो e तो ठीक है, यहां पर आप देखो क्या ये ds यहां पर मैंने लिया जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा? मैंने क्या बोला, व्हाट इज नॉर्मल, जो भी सरफेस रहेगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मेरे पास एक स्फीयर है तो इसका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियस के अलोंग आउटसाइड होता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है। और वैसे भी कोई भी क्लोज सरफेस होगा, तो मैंने बोला एरिया वेक्टर का दिशा हमेशा आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आपको सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है और वो बाहर की तरफ ही आपको लेना है, ये मैंने बोला था। बिल्कुल सही बोला दयानंद, इतना ही है। ओके, और आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन भी आपका बाहर ही जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। देखो ये भी आपका बाहर, तो इस केस में आपके पास में ई डॉट डी एस की जगह हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो डिग्रीज। क्यों क्यों लिख सकते हैं अपन ऐसा? इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो डिग्रीज। तो आपके पास में यहां पर कॉस जीरो कितना होता है, बोले वन, और आपके पास में जो E रहेगा वो कांस्टेंट, सो ये आ गया बाहर, तो आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है ds को, ds छोटे स्फीयर का, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये किसका, कौन से स्फीयर का लोगे, छोटे स्फीयर का। तो आपने लिखा E into, उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, इसको मार्क करो 1। तो मेरे को डेफिनेशन से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। अब जाएंगे किससे, बाय गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालो बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को मैंने बोला That is Q net by epsilon naught, यानि आपको निकालना पड़ेगा Q enclosed inside small sphere, कौन सा वाला, small inner sphere, और वो क्या है मेरा Gaussian surface जो मैंने consider किया है divided by epsilon naught। तो बता इसके अंदर कितना चार्ज होगा, अभी अभी मैंने निकाला था, बोलो कहां पर है, ये देखो रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया खत्म, है ना। अब ये भी मेरा फ्लक्स, और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने निकाला वो भी फ्लक्स, है ना। तो अभी मैंने क्या बोला भाई, एक बार डेफिनेशन से निकल, है ना, और दूसरी बार क्या कर, गॉस लॉ से निकाल, और दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, तो आपके पास क्या मिला, e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लो 4 पाई कैंसिल, यहाँ का आर, यहाँ आर स्क्वायर होगा, सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ का आर क्यूब कट गया, एक आर बच गया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, देख के बताओ, दैट इज इक्वल टू, एक तो आया रो आर डिवाइडेड बाय 3 times of epsilon naught। यहां आपको एक मजेदार बात चलती है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, देखो सिग्मा क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, रो इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, तो यहां पर हमें क्या मिला, E is directly proportionate to R, E is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है जिसकी रेडियस है आर, इसके अंदर में कोई मैंने पॉइंट ले लिया और वो डिस्टेंस आर पर है, तो जितना ज्यादा वो दूर जाएगा, हाँ, कब तक, जब तक वो स्फीयर के अंदर रहेगा, छोटा सा डिस्टेंस यानी कि कम इलेक्ट्रिकल फील्ड, ज्यादा डिस्टेंस इसका मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सेंटर से ऑफ द स्फीयर से अगर आपका डिस्टेंस दूर 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 होता जाएगा तो आप क्या देखोगे कि इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आपका बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगी कि आर बढ़ा तो इसका मतलब ये हो गया कि ई भी बढ़ गया। ये मेरा डेफिनेशन किसे निकाला, एक बार मैंने गॉस लॉ से निकाला, इक्वेट किया, मेरे को रिजल्ट्स मिल गया, दिक्कत कुछ भी नहीं। यस, इतना तक का ऑल क्लियर, राइट? ओके, नाउ व्हाट? Now here, if it is on the sphere, the value of R is equal to say R, right? I want to consider a point just on the sphere, right? In that case, what do you expect? What should be the direction of the electrical field? Kis direction pe electrical field jayega? Bhaiya bahar na jayega, jaane de. अब उसके बाद आपके पास में जो normal होगा, वो normal की दिशा क्या होगी? ये मैं पहले से समझा चुकी हूँ तुमको। है ना, ये भी कहां जाएगा तो बोले इसी डायरेक्शन पे जाएगा, नॉर्मली आउटसाइड जाएगा, तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन भी एक ही है। तो आपके पास जैसे मैंने बताया पहले निकालो बाय डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर देखेंगे E लिखेंगे, ds लिखेंगे, cos 0 लिखेंगे, भाई cos 0 तो 1 हो गया, E कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? E अगर मैंने गॉसियन सरफेस यहां पर सरफेस को लेकर के बनाया, गॉसियन सरफेस को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर मेरा गॉसियन सरफेस कहां तक लूंगी, पूरा स्फीयर लूंगी, है ना, तो यहां लिखेंगे हम लोग यहां पर जो गॉसियन सरफेस बन रहा है इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर दैट इज ऑन बाउंड्री ऑफ गिवन स्फीयर। तो आपका जो ई होगा, ई इज uniform from every point on the sphere। तो इसका मतलब है कि E को constant ले लो, cos 0 तो 1 होगा, आपको integration जो करना है वो सिर्फ एक surface का करना है। कौन से surface का? जो radius बन रहा है हमारा R का एक sphere, वो R रेडियस वाला एक जो स्पीयर, जो मेरा मेन स्पीयर है, उतना ही बड़ा गॉसियन सरफेस है, उसी को लेना पड़ेगा। सो मेरा फ्लक्स कितना बाहर आएगा, तो बोले E मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये बाय डेफिनेशन हो गया, ये मैंने 1 मार्क कर लिया बाय गॉस लॉ। क्या गॉस लॉ के अनुसार होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डेफिनेशन होता है That is equal to, बोलो रे बच्चों कितना होता है? That is Q enclosed divided by epsilon naught होता है। तो Q enclosed कितना है? पूरा ही तो चार्ज बटा है ना इसके अंदर, सारा का सारा चार्ज आ गया, तो कितने के बराबर आ गया? तो आप बोलोगे that is equal to Q divided by epsilon naught। This is the second equation। Now from equation 1 and equation number 2 you have got E into flux ki value aa jati hai E into 4 pi capital R square and that is also equal to Q divided by epsilon naught। So what is the value of the electrical field? Electrical field is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught
into r square. Now everything is a constant now. Everything is a constant now. You can see that, right? Q is a constant because उतना ही charge हमने दिया था. 4 pi epsilon naught वो भी एक constant है. Radius है sphere का, वो थोड़े ना change होता है. सभी कुछ constant है. तो हम यहाँ पर एक और formula E का लगाएंगे. Q के बदले में हम लोग लिख सकते हैं rho into 4 pi capital R square, है ना? देखो जो Q था पूरे में भरा हुआ था. चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4/3, बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये पूरी वॉल्यूम लेंगे उसका स्पीयर का, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब. तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. तो आप इसको बोलोगे दैट इज इक्वल टू ई. देन यू हैव गॉट दिस 4 pi 4 pi कैंसिल, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल, हमारे पास आर रहेगा. तो आपके पास में आया ये रो इंटू आर डिवाइडेड बाय, बोलो कितना आएगा, ये तो आर स्क्वायर पूरा कट गया ना, तो ये हो गया मेरा एप्सिलॉन नॉट. तो आपके पास में रो आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इस स्फीयर की वजह से. ये मैक्सिमम वैल्यू फील्ड की हो जाएगी, राइट? अब आते हैं, अगर मान लीजिएगा कि मेरे को एक पॉइंट लेनी है और वो पॉइंट जो रहेगा मेरा, अगर मेरा स्फीयर से बाहर है, अगर वो पॉइंट मेरा स्फीयर के बाहर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कैसा लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस. तो ये मेरी स्फीयर हो गई, ये इसका सेंटर हो गया और ये मेरा रेडियस हो गया, दैट इज इक्वल टू से आर. या इसमें थ्री छूट गया था तो थ्री भी मैंने लिख दिया. आउटसाइड द स्फीयर अभी मुझे लेना पड़ेगा. तो आउटसाइड द स्फीयर अभी अपन कैसे लेंगे बेटा? आउटसाइड द स्फीयर का पॉइंट मेरा यहाँ पर है एंड दैट पॉइंट इज पी. और यहाँ सेंटर से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी आर. तो ये मेरा गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया मैंने, ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, ये हो गया ऐसा, ठीक है? तो अभी मेरा गॉसियन सरफेस इज अ गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड सेंटर is concentric with the main sphere. ऐसा मैंने गॉसियन सरफेस बनाया. अब बताइए कि इसका पहले डेफिनेशन से लेना पड़ेगा मुझे. तो आप मुझे बताइए कि इसकी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकलेगी. अगर निकली तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा ऐसी होगी और नॉर्मल का डायरेक्शन भी सेम होगा, है ना? तो नॉर्मल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन सेम हो रहा है. तो हमारे पास जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, दैट इज ई डॉट डीएस होता है, है ना? तो ई डॉट डीएस में से क्या ई कांस्टेंट होगा? हाँ भैया, कांस्टेंट ही तो होगा जिसे हर केस में हो रहा था. डीएस हो गया और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? कॉस जीरो लेना पड़ेगा रे बच्चा, है ना? तो कॉस जीरो मैंने ले लिया. तो अभी आपने क्या करनी चाहिए, ई तो कॉन्स्टेंट, तो इंटेग्रेट करेंगे तो किसका करेंगे? तो बोले E डॉट ds, ds किसका? तो रेडियस जो बड़ा वाला है ना, वो पूरा सरफेस लूंगी मैं. तो वो कितने के बराबर होता है? तो बोलो E, और बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया है आउटसाइड स्फीयर का, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर गॉसियन सरफेस, भैया जी कितना होता है? 4 pi स्मॉल आर का स्क्वायर. तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आ गया. चलो भैया, अब डेफिनेशन क्या बोलता है बोलो आप लोग. डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम, डेफिनेशन ऑफ द गॉस लॉ. क्या कहते हैं गॉस लॉ? गॉस लॉ ये कहता है कि भैया कहीं से भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालनी है तो पता करो कि कितना चार्ज्ड एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो. भाई इसमें चार्ज बाहर के स्फीयर में थोड़े ना है, कहाँ है इसका चार्ज पूरा भरा हुआ? इसका चार्ज तो भाई इतने में है बस, है ना? इतने में ही है ना, और कहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, बाहर थोड़े ना आ रहा है. सारा का सारा चार्ज जो कुछ भी है वो तो अंदर पड़ा हुआ है. तो अंदर पड़ा हुआ चार्ज को जब आप ले रहे हो तो क्या करोगे? तो इससे जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, that is equal to Q divided by epsilon naught आएगा बस,
है ना। तो ये मेरा सेकंड डेफिनेशन हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो क्या मिला? इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, क्या मिला? बोलो बोलो, e into 4 pi small r square, and that is equal to, आपके पास में आ गया, this is, आपने बोला चार्ज डेंसिटी के रूप में लो, लो चार्ज डेंसिटी के रूप में ले लो। और चार्ज कितने के बराबर होगा बेटा? अंदर के स्फीयर में है कि बाहर के स्फीयर में है? कौन सा वाला r लगाऊं यहाँ पर? यहाँ पर तो कैपिटल R लगाना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 4 pi कैंसिल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला निकला भाई? रो इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर कांस्टेंट, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट वो भी कांस्टेंट है ना। लेकिन ये R स्क्वायर कहाँ आया? नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, that says that the electrical field is equal to, तो ठीक है, rho into r square divided by 3 times epsilon naught into 1 upon r square तो हो गया, इसमें तो कोई doubt नहीं है। लेकिन यहां क्या दिख रहे हैं? ये वाला part है ना, ये part जो कौन सा, sigma sorry rho into r square divided by 3 times of एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा मेरा कांस्टेंट बन जा रहा है। तो E is inversely proportional to क्या आ रहा है? E is inversely proportional to R square आ रहा है। आ गया समझ में? E is inversely proportional to R square मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको तीन पार्ट्स को मैं एकदम कंप्रेस करके आपको बता देती हूँ। देखो क्या दिख रहा, एक मिनट, जब वो पॉइंट मैंने बाहर लिया था, जब मैंने बाहर लिया था तो E is directly proportional to R आया था, है ना। पहले क्या मिला मुझे? E is directly proportional to R आया था। और जब मैंने सरफेस के ऊपर लिखा तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी, और जब मैं एकदम बाहर जाती हूँ स्फीयर के तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। यानी तीनों में जो डिस्टेंस से संबंध है वो अलग अलग है। तो चलो हम लोग इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, और इस ग्राफ को मैं व्यू आपको शो करती हूँ। ये हो गया, यहाँ दिख रहा होगा आपको ग्राफ, क्लियर नहीं है तो चलो इसको मैं व्यू और थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। व्यू पूरा दिख रहा है? यस मैम, है ना। तो यही से मैंने गूगल से निकाला हुआ था, वैसे ड्रॉ भी कर सकते थे। मेरे पास ये स्पीयर है और इस स्पीयर को हम लोगों ने पूरी तरह से चार्ज किया है, और चार्ज इसमें पूरा में चार्ज अंदर भी भरा हुआ है बेटा। मतलब ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की बने की वजह से अंदर चार्ज है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो बोले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब तक मैंने जो पॉइंट जहां पर मुझे फील्ड निकालनी है वो स्पीयर के अंदर थी, तो हमने क्या देखा कि फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ते गया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? इस पॉइंट पर E is directly proportional to R. Maximum कहाँ पर रीच हुआ? तो बोले maximum एकदम surface पे रीच हुआ, और value कितनी थी? That is rho into R divided by 3 times of epsilon naught, है ना? अब मान लो कि हमने एक point को लिया जो इस sphere के बाहर है, तो sphere के बाहर तो inversely proportional वाला graph हो गया। देखो ये inversely proportional वाला graph हो गया, तो ये संबंध आपको समझ में आ गया। तो ये actually किसके लिए है बेटा? एक ऐसे sphere के लिए है जिसका अंदर में चार्ज है, यानी ये डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज जा सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। एक और बात आपको मैं इम्पोर्टेंटली बताना चाहूंगी, यहाँ पर मैम एक बार रिपीट कर लेंगे। कौन सा वाला ग्राफ को रिपीट करूं बेटा? ग्राफ को रिपीट करूं? यस मैम। तो आपको तीन पॉइंट्स, मैंने तीन सेक्शन बताए थे ना। तो एक मैंने बताया था इनसाइड द स्फीयर, यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर। फिर मैंने लिया था ऑन द स्फीयर, और तीसरा मैंने लिया था दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। तीन डेरिवेशंस मैंने आपको अभी तीन पार्ट्स में डेरिवेशंस किया था।
जब मैंने कोई पॉइंट इनसाइड में लिया था तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आया था वो फाइनल रिजल्ट क्या था बेटा, e की वैल्यू कितनी थी? तो आपके पास में जो e की वैल्यू था ना, e की वैल्यू वाज, आई गेव यू दैट देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन e एंड r, r को बढ़ाते जाओगे तो आपके पास में फील्ड बढ़ते जा रहा था जब वो पॉइंट स्फीयर के अंदर था। क्यों? क्योंकि उसकी एनक्लोज चार्ज की जो वैल्यूज होती थी ना वो बढ़ती 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 जा रही थी, बढ़ रहा था ना। देखो छोटा सा स्फीयर तो छोटा सा चार्ज, बड़ा 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 होता चला गया अंदर का स्फीयर ना, तो जितना इसके अंदर में चार्ज है, देखो छोटा स्फीयर तो छोटा सा चार्ज, ज्यादा बड़ा वाला इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा बड़ा करती जाऊंगी तो इसमें चार्ज बढ़ रहा होते जाएगा, चार्ज बड़ा होते जाएगा इसका मतलब एनक्लोज चार्ज ज्यादा हो गया तो फील्ड भी डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। देखो ये स्फीयर रिप्रेजेंट किया और ये डिस्टेंस है हमारा सेंटर से लेकर के, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है जब तक वो पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन मेरा कहां था, स्फीयर के अंदर था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर हो रही है, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है रो सिग्मा इनटू रो डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आपके पास में ई इज इक्वल टू रो इनटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आउटसाइड द स्फीयर आपके पास में फॉर्मूला क्या हो रहा है, e is inversely proportional to r square, यानी e का एक्चुअल जो फॉर्मूला आ रहा था that is equal to 1/4πε0 q divided by r square हो रहा था, तो इसका मतलब q is a constant, 1/4πε0 that is also a constant inversely proportional to r square, तो ग्राफ जब भी हमने पॉइंट को कंसिडर किया जो स्पीयर से ज्यादा दूरी में कोई भी पॉइंट को कंसिडर किया, यानी आउटसाइड कोई भी पॉइंट किया तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो फील्ड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से कम होती हुई चली जाती है। और जब हमने एक पॉइंट को कंसिडर किया, व्हेन, यहां पर मैं इसको अलग से लिख देती हूं, व्हेन यू कंसिडर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर अगर कोई पॉइंट को तुमने कंसिडर किया है ना, देन द फील्ड इज सेम एज इफ ऑल चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, ऐसा महसूस होगा कि जैसे सारा का सारा चार्ज फैला हुआ ना हो करके, एज इफ, देखो फॉर्मूला देखो, एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम आ रहा है, इसका मतलब भले मैंने पूरे स्फीयर में यहां पर चार्ज आपसे बोला है कि रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी आउटसाइड द स्फीयर वैसा ही बनेगा अगर ये सारा चार्ज को हमने इकट्ठे कर लिया और इकट्ठे करके सेंटर पे रख दिया, सेम फॉर्मूला बनेगा, सेम बिहेवियर करेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक का सबको क्लियर है या? Yes, ma'am.